विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मुख्य सेविका के लिए जो अभी याचिका डाली गई थी वो अपडेट हो चुकी है, उसका भी देखेंगे कि स्टेटस क्या है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जुलाई माह के लिए जो CTET की परीक्षा हुई थी उसका जो रिजल्ट है आउट हो चुका है, और अभ्यर्थी जो है डायरेक्टली अपना बस रोल नंबर डाल के जो अपना रिजल्ट है उसको देख सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपना रोल नंबर चेक करना है तो बस आप यहाँ पर इंटरव्यू रोल नंबर पर क्लिक करेंगे और सबमिट डाल के अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो जितने भी लोग पास आउट हुए हैं सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। CBSE के द्वारा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2024 सेशन का जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर किया गया है। ये रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया है और साइट में कोई दिक्कत नहीं, साइट अच्छे से चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यहाँ पर मुख्य सेविका के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं केस स्टेटस स्पेशल अपील डिफेक्टिव SPLAD और ये नंबर है 575/2024। इसे 31 जुलाई को जनरेट किया गया है और अभी हाल ही में मतलब कुछ ही देर पहले। तो आप देखेंगे कि ये जो मामला है स्टे को हटवाने के लिए डबल बेंच में ये मामला जो है वो अपडेट हो चुका है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है आपने देखा है कि 31 जुलाई 2024 है। 31 जुलाई 2024 को इसका रजिस्ट्रेशन डेट है। केस स्टेटस यहाँ पर अब वेबसाइट पर शो होने लगा है। नाउ यू कैन सी कि ये जो केस स्टेटस है ये अब यहाँ पर शो हो रहा है, और अभी जो इसकी पहली हियरिंग है हुई नहीं है। देखो ये जो मामला है ना ये पिछले वाली SLP से अलग है, और ये जो एक नई SLP है ये इसलिए लगाई गई है कि जो स्टे है वो हट सके। तो स्टे को हटवाने के लिए यह SLP जो है दायर हुई है, और ये एक फ्रेश लिस्ट है जिसे डिवीज़न बेंच में डाला गया है। विद इन वीक आपको जो डेट भी मिल जाएगी, और यहाँ से फैसला आने के बाद जो स्टे लगा हुआ है वो स्टे आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम दिया गया है ये प्रमिला पटेल एंड अनदर, एडवोकेट हैं आलोक मिश्रा, और रेस्पोंडेंट आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मामला है ये एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसकी डेट क्या है और इस पर सुनवाई कब होनी है। लेकिन मामला क्योंकि अब आपका ऑन रिकॉर्ड है तो बहुत जल्दी इस पर हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि आप यहां देख सकते हैं कि NCERT की ओर से वैकेंसी आई हुई है। नौकरी पाने का गोल्डन चांस, आज ही करें अप्लाई। यहां पर देखेंगे तो जो लास्ट डेट है मतलब आप आवेदन कब तक कर सकते हैं, तो 16 अगस्त तक आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। तो 16 अगस्त ये लास्ट डेट है। वेबसाइट रहेगी NCERT.NIC.IN, और कुल पदों की संख्या कितनी है तो 123 है। कौन कौन से पद हैं आइए देख लेते हैं किन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो प्रोफेसर के 33 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 58, असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 पद हैं, और लाइब्रेरियन का एक पद है, ठीक है। और इसमें जो योग्यता है क्या मांगी गई है कि प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये देखो 10 साल का अनुभव जो है ना ये प्रोफेसर के लिए मांगा ही जाता है, प्रोफेसर के पद पर डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपसे अनुभव मांगा जाएगा, 8 साल का अनुभव, बाकी वही रहना चाहिए। और इसके बाद बात करें तो अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें तो बन सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उम्मीदवार ने PG में कम से कम 55% अंक हासिल किए हों, और UGC नेट की परीक्षा या इससे संबंधित कोई परीक्षा या PhD डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए उम्मीदवार ने लाइब्रेरी साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कम से कम 55% अंकों, तो मतलब यहाँ पर दो पद ऐसे हैं जिस पर डायरेक्टली आप बिना एक्सपीरियंस के भी आवेदन कर सकते हैं। और रही बात कि अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, तो वेबसाइट का नाम मैंने आपको बता दिया था, जो NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर फॉर्म भरे जाएंगे। सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी बहुत ज़बरदस्त है। प्रोफेसर के लिए तो 1,44,000 से स्टार्टिंग होती है। एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो 1,31,000 के आसपास मंथली सैलरी होती है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी सैलरी भी लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास तो रहती है, मतलब 80,000 से 90,000 के बीच में रहती है। लाइब्रेरियन को लगभग 60,000 रुपये के आसपास मिलते हैं। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन चेक करके आवेदन करना चाहें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ UP के लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भर्ती होने वाली है, इसमें ना तो UGC नेट मांगा जा रहा है ना तो PhD मांगी जा रही है, तो फिर ये कैसा पद है। देखो ये POP रिक्रूटमेंट है, मतलब क्या होता है इसका, मतलब
लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी के निर्देश पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ना तो उनके पास, यहाँ तक कि उनकी पीजी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आज वो अपनी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों में से एक है और उनके पास बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उनकी पढ़ाई इतनी नहीं है कि वो शिक्षक बन सकें। तो ऐसे लोग अपना ज्ञान और अनुभव उन विद्यार्थियों के साथ बांट सकें जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी तरीके से या उसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब अनुभव करके इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो इसके लिए अब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट की गई है लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अलग अलग क्षेत्र के ये एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो पढ़ाएंगे। तो इसे विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। बुधवार को जो एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई है तो उसी में फैसला लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना की पहल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की है और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उद्योग, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, इसके अलावा देखेंगे तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, तो तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर ये POP प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आकर पढ़ाएंगे। इसमें मतलब नेट या PhD की अनिवार्यता नहीं होती है और बस अगर कोई सक्सेसफुल आदमी है तो वो आकर यहाँ पर पढ़ा सकता है। इस योजना के तहत UGC नेट या PhD किए बिना प्रोफेसर बना जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को स्किल बेस्ड एजुकेशन से जोड़ने पर जोर दिया गया है। तो ये एक नई पहल स्टार्ट की गई है लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।